क्या 100 रुपये की कैंसर टैबलेट खा के कैंसर का जड़ से इलाज हो सकता है? तो फ्रेंड्स, रिसेंटली न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, मीडिया और वेरियस न्यूज़पेपर्स और इंटरनेट साइट्स पे बहुत ही धूम मची हुई है कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई ने एक नई कैंसर की टैबलेट बनाई है जिसका नाम RCU है और जिसकी कीमत 100 रुपये दिन की है और जिस टैबलेट को खा के कैंसर का क्योर रेट ड्रामेटिकली बढ़ सकता है। पर आज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब इस तरह की हाइप न्यूज़ आए तो उसके पीछे का रियल ट्रूथ क्या है। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे 100 रुपये की कैंसर टैबलेट का सच। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंद गुप्ता, MBBS MD एंड DM फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो फ्रेंड्स, रिसेंटली लास्ट 2 डेज में रिलेंटलेसली मैं देख रहा हूँ कि नई कैंसर टैबलेट जो कि 100 रुपये की कैंसर टैबलेट RCU के बारे में हर न्यूज़ मीडिया में और हर चैनल पर हाइप है और कई पेशेंट्स ने मेरे को कनेक्ट किया है, व्हाट्सएप पर कॉल किया है, पूछने की सर ये टैबलेट का सच क्या है और ये टैबलेट कैसे हेल्प करती है। तो जब मैंने एक्चुअली इस टैबलेट के बारे में जो क्लिनिकल ट्रायल, जो क्लिनिकल रिसर्च हुई है उनके बारे में पढ़ा और ऑन्कोलॉजी कम्युनिटी में अपने कलीग से डिस्कस किया, इंक्लूडिंग वो कलीग जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से लिंक रखते हैं, तो मुझे बड़ी ही डिस्टर्बिंग चीज़ें रियलाइज़ हुई और रियलाइज़ हुआ कि हालांकि ये टैबलेट एक अच्छी रिसर्च से लिंक्ड है, इस टैबलेट का रियल असर बहुत ही केयरफुली और बहुत ही समझदार तरीके से समझने की ज़रूरत है और ये टैबलेट हर पेशेंट के लिए नहीं है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रियल रिस्क एंड बेनिफिट ऑफ द 100 रुपीज़ RCU टैबलेट। तो आज के वीडियो में हम केयरफुली डिस्कस करेंगे किस RCU टैबलेट के क्लिनिकल डेटा का मतलब क्या है। फ्रेंड, जो कैंसर की फील्ड से मायने रखते हैं, लोग ऑफन देखते हैं कि ऑलमोस्ट हर 4 से 6 हफ्ते कोई ना कोई नई हाइप टॉप न्यूज़ मीडिया में आती रहती है। कुछ टाइम पहले डोस्टार्ली में या जेम्परली के बारे में एक हाइप आया था कि एक नया इंजेक्शन आया जो एक इंजेक्शन कैंसर को ख़त्म कर सकता है और उस टॉपिक पर भी हमने एक वीडियो डिस्कस किया था। सिमिलरली कुछ टाइम पहले एक और बड़ा ही हाइप आया था कि एक कार टी सेल थेरेपी है जो हर कैंसर को इम्यून सिस्टम से ख़त्म कर सकती है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और एक और न्यूज़ आई थी जिसमें बात हुई थी कि कोई 5 मिनट का कैंसर इंजेक्शन है जो कैंसर को ख़त्म कर सकता है और उसको भी हमने हमारे चैनल पर डिस्कस किया था। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कैंसर एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे लोग बहुत डेस्परेट है होपफुल और पॉजिटिव न्यूज़ के लिए और इसलिए कोई भी छोटी सी एडवांसमेंट भी होती है उसे न्यूज़ मीडिया बहुत उछालती है टू गेट व्यूज़ एंड क्लिक्स, जिसकी वजह से चीज़ें कई बार एक्साइटमेंट में ओवरहाइप हो जाते हैं और कुछ टाइम बाद ही इस चीज़ की रियल पिक्चर निकलती है जिससे पेशेंट को और फैमिलीज को समझ में आता है कि एक्चुअली जो इंटरवेंशन की बात हो रही है उसका रिस्क बेनिफिट क्या है। और ऐसे ही मैं देख रहा हूँ कि लास्ट 2 डेज़ में जो टाटा मेमोरियल का पेपर है RCU के बारे में बहुत ही इंटेंस डिस्कशन और एक्साइटमेंट हो रही है, पर इस चीज़ की रियलिटी बहुत ही परे है। तो बिफोर वी मूव इनटू दिस टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि एक्चुअली RCU में टाटा मेमोरियल का रिसर्च क्या कहती है और रिसर्च का मतलब क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि टाटा की स्टडीज़ में एक्चुअली क्या देखा गया है। तो टाटा ने 2 इंपॉर्टेंट स्टडीज़ करी है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहली स्टडी एक एनिमल स्टडी है जो कि चूहों में की गई है और इंसानों में नहीं की गई है। तो इस स्टडी को धीरे धीरे करके समझते हैं। तो सबसे पहले टाटा ने एक स्पेशल तरह की DNA फ्रैगमेंट को डिस्क्राइब किया है, इसको हम बोलते हैं सर्कुलेटिंग क्रोमैटिन। और कॉन्सेप्ट ये है कि यदि कोई कैंसर सेल की डेथ होती है, चाहे कीमोथेरेपी टारगेटेड इम्यूनो किसी भी कैंसर मोडालिटीज़ है, तो देखा गया है कि जब सेल्स की डेथ होती है तो उनके अंडर का DNA फट के बाहर निकलता है और DNA के फ्रैगमेंट जिनको सर्कुलेटिंग क्रोमैटिन बोलते हैं ब्लड में रिलीज होता है और यही DNA के फ्रैगमेंट बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में जाके डिपॉजिट हो सकते हैं और वहाँ पे उनको डिटेक्ट किया जा सकता है। तो टाटा ने चूहों की स्टडी में देखना चाहा कि क्या इस DNA फ्रैगमेंट के रिलीज प्रोसेस को रिड्यूस किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, और ये फर्स्ट स्टडी है। तो इस स्टडी में DNA फ्रैगमेंट के रिलीज को कम करने के लिए टाटा ने 2 केमिकल्स की कॉम्बिनेशन को स्टडी किया है। एक केमिकल का नाम है रिवर्सेटॉल जो कि ग्रेप जूस एक्सट्रैक्ट यानी ग्रेप और ग्रेप जैसे फ्रूट्स के एक्सट्रैक्ट में से निकलने वाला एक केमिकल या न्यूट्रास्यूटिकल होता है, और साथ में तांबा यानी कॉपर को साथ में पेशेंट को दिया गया इस उम्मीद से कि यदि ये दोनों चीज़ें साथ में पेशेंट को दी जाएगी तो वह फ्री रेडिकल स्पीशीज़ यानी रिएक्टिव स्पीशीज़ बनाएगी। जब कॉपर और रिवर्सेटॉल मिलके कंबाइन होएंगे तो रेडिकल ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनाएंगे जो ब्लड में जो भी DNA सर्कुलेट हो रहा है उसको डिग्रेड करके डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इन्होंने ये हाइपोथेसिस किया कि शायद हम पेशेंट को यदि ये कॉम्बिनेशन दे तो ब्लड में जो सर्कुलेटिंग क्रोमैटिन स्पीशीज़ है वो डिग्रेड होकर ख़त्म हो जाएगी और इसका नेट रिजल्ट ये है कि इनका डिस्टेंट ऑर्गन में डिपोजिशन कम हो जाएगा। तो पहली स्टडी में उन्होंने क्या किया, कुछ रैट्स यानी चूहे लिए और उनमें ह्यूमन कैंसर के सेल इम्प्लांट कर दिए और उनको वेरियस ट्रीटमेंट जैसे सर्जरी, कीमो, रेडिएशन से ट्रीट किया और देखा कि उनमें
ब्लड में और डिस्टेंट ऑर्गन में ये रिएक्टिव सर्कुलेटिंग क्रोमैटिन का लेवल क्या है, और फिर उन्होंने इन चूहों को जो इनका न्यूट्रासिटिकल है जिसको RCU ये लोग बोल रहे हैं वो खिलाया, और सेम चीज़ दूसरे सेट ऑफ चूहे में भी किया और देखा कि सर्कुलेटिंग और डिस्टेंट ऑर्गन में ये सर्कुलेटिंग क्रोमैटिन का लेवल रिलेटिवली कम पाया गया। तो ये फर्स्ट स्टडी का सार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से किसी भी स्टडी में ये नहीं देखा गया कि कैंसर का क्योर रेट क्या है, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल क्या है या मेटास्टेसिस का रेट क्या है। इनका मेन फोकस इसी पे था कि जो ये सर्कुलेटिंग DNA लेवल है ये कितना परसेंट डिस्टेंट ऑर्गन में उनको बाद में मिला, ये दवाई दिए बिना और ये दवाई देने के साथ। दूसरी स्टडी है जो ह्यूमन में की गई थी, जिसमें ड्रग का कैंसर प्रिवेंशन के ऊपर रोल कोई नहीं देखा गया है, बस यही देखा गया है कि इस दवाई से क्या पेशेंट में वेरियस कीमोथेरेपी प्रिपरेशन से होने वाले साइड इफेक्ट क्या कम होते हैं। तो जिन पेशेंट को स्ट्रॉन्ग कीमोथेरेपी या बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जा रहा था, ऐसे 20 कैंसर पेशेंट्स को ये रिवर्सेटॉल और कॉपर कॉम्बिनेशन दी गई और चेक किया गया कि उनमें मुंह और गले के छालों का लेवल क्या हुआ, और उन्होंने पाया कि इनका मुंह और गले के छालों का लेवल रिलेटिवली लोअर है। तो ऑब्वियसली इसके बाद क्या हुआ कि जब ये स्टडी रिजल्ट न्यूज़पेपर से शेयर किए गए, चाहे जब शेयर किया डॉक्टर ने केयरफुली शेयर किया कि ये अंडरस्टैंडिंग के साथ कि अभी ह्यूमन ट्रायल्स होने हैं और ये बहुत अर्ली रिजल्ट है, इनके बेसिस पर अभी ट्रीटमेंट नहीं डिसाइड करना चाहिए, बट जैसे कि इंडिया की मीडिया एक हाइप मशीन है, ये इस न्यूज़ को लेके ऐसे भागे कि हाँ 100 रुपये तो कैंसर जड़ से इलाज हो जाएगा, कैंसर ठीक हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड एज अ साइंटिस्ट मैं कैंसर पेशेंट्स को समझाना चाहता हूँ कि स्टडी में क्या कमियाँ हैं और क्यों ये ड्रग अभी रेडी फॉर प्राइम टाइम नहीं है, और अभी के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन से टू मैनेज योर ट्रीटमेंट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है कि क्यों एक चूहे की स्टडी के बेसिस पे ये कंक्लूड करना ठीक नहीं है कि ये दवाई मात्र लेके बीमारी का जड़ से इलाज का रेट नहीं बढ़ जाएगा। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि स्टडी की इंपॉर्टेंट लिमिटेशन क्या है। तो नंबर वन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि चूहे और आदमी की फिजियोलॉजी सेम नहीं होती। कोई भी स्टडी में यदि कोई ड्रग चूहों में काम करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ड्रग आदमी में काम करेगा। चूहा चूहा होता है, आदमी आदमी होता है, हालांकि फिजियोलॉजी में डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज होते हैं चूहे और आदमी में। प्रैक्टिकली यदि हम डेटा देखें जो कि कैंसर रिसर्च का डेटा है, यदि 100 ड्रग चूहे में एफिकेसी शो करते हैं तो उनमें से एक ही ड्रग आगे चल के आदमी में एफिकेसी शो करता है। तो चूहे की स्टडी सिर्फ एक हाइपोथेसिस जनरेटिंग स्टडी होती है जो कि एक सिग्नल देती है कि चलो हाँ चूहे में कुछ इफेक्ट दिखा है, अब आदमी में चलो इसको ट्राई करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी ड्रग यदि चूहे में सक्सेसफुल है तो उस ड्रग का आदमी में सक्सेसफुल होने का चांस बहुत कम होता है, टिपिकली नॉट मोर देन 1-5%। इसलिए फर्दर रिसर्च हमेशा की जाती है कि जो एफिकेसी चूहे में देखी गई है वो एफिकेसी आदमी में अप्लाई करती है या नहीं करती है। नंबर टू पॉइंट ये है कि जब टाटा के डॉक्टरों ने ये स्टडी करी, उन्होंने हालांकि ये तो ज़रूर शो किया कि यदि चूहे में कैंसर सेल को हम किल करते हैं किसी थेरेपी से और उसमें ये दवाई देते हैं तो ब्लड में और डिस्टेंट ऑर्गन में जो सर्कुलेटिंग क्रोमैटिन है उसका लेवल कम होता है, पर उन्होंने ये बिल्कुल डेमोंस्ट्रेट नहीं किया अभी तक कि इसका चूहे के या पेशेंट के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल में क्या कोरिलेट है। तो ऑब्वियसली यदि ट्यूमर की किलिंग कम होगी तब भी तो रिएक्टिव सर्कुलेटिंग क्रोमैटिन का लेवल कम होएगा और उसका डिपोजिशन भी कम होएगा। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कन्फर्म करने के लिए कि यदि कोई दवाई दे के हम DNA के फैलने का रिस्क कम कर रहे हैं तो क्या ऐसा तो नहीं कि वो DNA सिर्फ इसलिए नहीं फैल रहा कि ट्यूमर की किलिंग कम हो गई है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच स्टिल नीड टू बी आंसर्ड, जिसका आंसर अभी तक चूंकि स्टडी का पेपर रिलीज नहीं हुआ है वी डोंट हैव एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ऐसा ना हो कि इन दी रेस टू रिड्यूस दी लेवल ऑफ क्रोमैटिन, मतलब क्रोमैटिन के लेवल को ब्लड में कम करने में कि रेस में, ऐसा ना हो कि हम ट्यूमर को मार ही ना रहे हो, ट्यूमर नहीं मरेगा तो ऑब्वियसली क्रोमैटिन ब्लड में नहीं आएगा, और जब आप डिस्टेंट ऑर्गन को चेक करोगे उसमें क्रोमैटिन कम ही आएगा। तो ये चीज़ क्लैरिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रोमैटिन का लेवल कम होने का ट्यूमर किलिंग से क्या कोरिलेशन है। क्या पता है ट्यूमर किलिंग कम हो रही हो इसीलिए क्रोमैटिन का लेवल कम हो रहा है। तो इस चीज़ को आगे स्टडी करने की ज़रूरत है और रिसर्च में केयरफुली देखने की ज़रूरत है। नंबर तीन, टाटा की स्टडी ये अज्यूम करती है कि यदि क्रोमैटिन के फ्रैगमेंट डिस्टेंट ऑर्गन में प्रेजेंट है तो उससे मेटास्टेसिस डेफिनेटली होगे, जबकि ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट नहीं है। ऐसा कभी भी प्रूव नहीं है कि सर्कुलेटिंग क्रोमैटिन या सर्कुलेटिंग ट्यूमर DNA यदि आप कहीं पर डिटेक्ट कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि उधर कैंसर का लेवल बढ़ जाएगा। जैसे अपनी रूटीन लाइफ में हम कोई फ्रूट वेजिटेबल मटन कुछ भी खाते हैं
उसका भी जो अमीनो एसिड और फ्रैगमेंट और डीएनए ब्लड में सर्कुलेट करके ऑर्गन में जाता है, पर इसका ये नहीं है कि हमारे डिफरेंट ऑर्गन में फल सब्जियां उग जाती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को बड़ा न्यूएंस्ड वे से समझना और रिसर्च करने की ज़रूरत है कि क्या सर्कुलेटिंग क्रोमैटिन का लेवल हाई होने का मतलब ये है कि डिस्टेंट ऑर्गन में मेट्स ग्रो करेगा ही करेगा या नहीं करेगा, और इस लिंक को अंडरस्टैंड करने के लिए फर्दर रिसर्च की ज़रूरत है। नंबर फोर, जो RCU ड्रग इन्होंने डिस्क्राइब किया जिसकी वैल्यू ये 100 रुपीज़ बोल रहे हैं, वो ड्रग का जो मेन मैकेनिज्म है वो ऑक्सीडेशन है। यानी वो क्या करता है, वो ड्रग रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनाता है जो सर्कुलेटिंग क्रोमैटिन या डीएनए से बाइंड करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको डैमेज कर देता है फ्री रेडिकल इंजरी से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्री रेडिकल इंजरी एक कैंसर का कॉज भी होता है। इनफैक्ट बहुत सारी स्टडीज़ की गई है जिनमें ये डेमोन्स्ट्रेट किया गया है कि फ्री रेडिकल इंजरी बॉडी के विभिन्न ऑर्गन को डैमेज करता है, प्री मेच्योर एजिंग कॉज करता है और सेकेंडरी कैंसर कॉज करता है। इसीलिए कोई भी ड्रग यदि बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनाता है तो उसकी सेफ्टी एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि इफ़ वी गो फॉरवर्ड 3 ईयर्स और 4 ईयर्स, पेशेंट को फ्री रेडिकल इंजरी से कैंसर का डैमेज और ज़्यादा तो नहीं होता या दूसरे डिस्टेंट ऑर्गन में कैंसर जनरेट तो नहीं होता। तो एक शॉर्ट स्टडी जो चूहे में करी गई है उसके बेसिस पे ये नहीं कंक्लूड कर सकते कि फ्री रेडिकल पेशेंट के लिए सेफ है और कैंसर का रिस्क कम करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी ड्रग यदि क्लेम करता है कि मैं कैंसर का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल बढ़ाता हूँ और लॉन्ग टर्म आउटकम को इम्प्रूव करता हूँ, और 30% जैसे बड़े नंबर के यदि क्लेम करता है, तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग डेटा विद गुड फॉलोअप, एटलीस्ट 2 या 3 साल का फॉलोअप चाहिए शो करने के लिए कि 2 या 3 साल बाद भी बीमारी ठक से वापस नहीं आती। ऐसा हो सकता है कि कोई दवाई से इनिशियली कैंसर का रिकरेंस लगे कि थोड़ा कम जा रहा है, बट 6 महीने बाद ठक से बीमारी वापस आ जाए और पहले से भी डबल रेट से वापस आ जाए। तो एक एडिक्वेटली लॉन्ग पीरियड ऑफ फॉलोअप जो कि कम से कम 2 या 3 साल होना चाहिए ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बोलने से पहले कि कोई भी दवाई कैंसर के क्योर रेट को 30% से ज़्यादा बढ़ाती है। तो इस डिस्कशन से आई एम श्योर कि आप लोग समझे होंगे कि जो प्रेस रिलीज है उसकी हाइप में हमें पागल नहीं हो जाना है कि हाँ मेरे को 100 रुपये की दवाई चाहिए मुझे ठीक करो। वी नीड टू अंडरस्टैंड इस स्टडी की लिमिटेशंस क्या है। ये स्टडी एक पहला कदम है, एक एविडेंस की चेन है जो कि कई पैड़ियों की है। यदि उस पैड़ी के 20 पैड़ियाँ हैं तो हम पहली पैड़ी पर ही खड़े हुए हैं, और बहुत सारी एडिशनल ट्रायल्स करनी है, डेटा करना है और लॉन्ग टर्म फॉलोअप करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, कम से कम 2-3 साल का फॉलोअप करना है देखने के लिए कि एक्चुअली ह्यूमंस में ये ड्रग लॉन्ग टर्म में कैंसर का रिकरेंस प्रिवेंट करता है या नहीं करता है, और इस ड्रग के कोई साइड इफेक्ट्स या नुकसान तो नहीं है। तो एज ऑफ नाउ पेशेंट्स क्या कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि जब तक स्ट्रॉन्ग डेटा नहीं आता पेशेंट्स इस इंफॉर्मेशन का अपनी ट्रीटमेंट में क्या इंप्लीकेशन फॉलो कर सकते हैं। तो नंबर वन, चूंकि स्टडी अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वेट करो, जब तक फाइनल स्टडी पब्लिश नहीं होती आपके ऑन्कोलॉजिस्ट के हाथ में नहीं आती और ये सारे फैक्टर जो मैंने डिस्कस किया वो आपके ऑन्कोलॉजिस्ट आपसे डिस्कस नहीं करते, तब तक आई थिंक डोंट बी इन अ हरी टू टेक अ ड्रग जो शायद आपको नुकसान करे। कोई गारंटी नहीं है कि ड्रग आपको फायदा ही करेगा, कोई भी ड्रग जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनाता है वो आपको नुकसान भी कर सकता है। तो डोंट बी इन अ हरी कि हाँ मेरे को ड्रग दो, पहले स्टडी आने दो, स्टडी का डेटा देखने दो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नंबर टू, जो रिवर्सेटॉल ड्रग है जो कि ग्रेप जूसेस वगैरह में होता है, ये रिलेटिवली सेफ न्यूट्रास्यूटिकल है एंड बाय इटसेल्फ यूजुअली ये फ्री रेडिकल इंजरी नहीं करता है, तो मेरे हिसाब से रिलेटिवली सेफ ड्रग है। और यदि एज अ न्यूट्रास्यूटिकल आप इसको लेना चाहो तो आप अपनी ओन रिस्क पे इसको ले सकते हो। एज अ डॉक्टर एज ऑफ नाउ मैं रूटीनली अपने पेशेंट्स को ये ड्रग नहीं रिकमेंड करूँगा, बट इफ़ यू वॉन्ट टू टेक इट यू कैन टेक इट फ्रॉम माई साइड, इसका कोई मेजर इंट्रैक्शन नहीं है। और आप इनफैक्ट ग्रेप जूस फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म में भी इस ड्रग को ले सकते हो और फर्दर टेस्टी जूस का मज़ा भी इंजॉय कर सकते हो। नंबर तीन, कोई भी पेशेंट ये ना समझे कि यदि मैं ये ड्रग लूँगा तो मुझे रेगुलर कैंसर के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि ये ड्रग अपने आप से कैंसर को ठीक कर सकता है। इनफैक्ट टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन इशू किया है कि भाई ज़्यादा हाइप में ये खबर ओवर हाइप हो गई है और हम ये एक्नॉलेज करते हैं, और हम क्लियरली बोलना चाहते हैं कि जो स्टैंडर्ड कैंसर का ट्रीटमेंट है आज की डेट में 70% पेशेंट का जड़ से इलाज कर देता है, और पेशेंट को अपना स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है। तो आपको अपना स्टैंडर्ड कैंसर का ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है, और एज अ सप्लीमेंट आप लेना चाहो तो आप ग्रेप जूस ले सकते हो टू गेट एक्सेस टू दिस न्यूट्रास्यूटिकल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100 रुपये की टैबलेट कोई सस्ती टैबलेट नहीं है, डिपेंड करता है कि उसका फ़ायदा कितना है। तो यदि किसी टैबलेट का कॉस्ट 100 रुपीज़ पर डे है तो उसका कॉस्ट पर मंथ 3,000 रुपये है, और पर साल 36,000 रुपये का कॉस्ट है जो कि एक कम कॉस्ट नहीं है। तो मेरा क्या सजेशन रहेगा कि इंस्टेड ऑफ अ कॉस्टली
₹100 की टैबलेट, या तो जो रिवर्सेटॉल ड्रग है उसको एक्सेस करो फ्रूट जूसेस के वाया, या जल्दी ही यदि आप ऑनलाइन जाओगे तो सिमिलर प्रोडक्ट के बहुत सारे ऑलरेडी सप्लीमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि एक सब्सटेंस को कैरी करते हैं जिनका कॉस्ट काफ़ी कम है। तो यदि आप लेना भी चाहो तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप कोई पेटेंटेड ₹100 का ड्रग जो शायद किसी कमर्शियल इंटेंशन से प्रमोटेड हो वो आप लो। इंस्टेड ऑफ दैट पहले डेटा की वेट करो, और यदि आपको डेटा समझ में आता है, आपके ऑन्कोलॉजिस्ट को समझ में आता है और आप मिलकर डिसाइड भी करते हो कि आप ये कॉम्बिनेशन लेना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से कई जेनरिक फॉर्म्स में ये प्रिपरेशन अवेलेबल है भी और जल्दी अवेलेबल रहेगी भी, जिसको आप सिग्निफिकेंटली लोअर कॉस्ट पर ले सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज ये कोई पेटेंटेड ड्रग नहीं है, और ₹100 असल में किसी भी सप्लीमेंट के लिए बहुत हाई कॉस्ट है। यदि हम कोई मल्टीविटामिन की टैबलेट सुप्राटिन लेते हैं, टिपिकली वो 3 से 8 रुपये की एक गोली होती है, तो ₹100 की गोली लेना बहुत ही बड़ी बात है, इट्स नॉट अ चीप ट्रीटमेंट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि आपको ये रिवर्सेटॉल सप्लीमेंट लेना भी है विथ और विदाउट कॉपर, ट्राई टू लुक फॉर जेनरिक एंड चीपर ऑप्शन इफ यू वॉन्ट टू टेक दिस थेरेपी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिंग मैसेज, ये कोई क्योरेटिव थेरेपी नहीं है, और अभी कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं है कि ये कैंसर का क्योर रेट बढ़ाती है। तो जो भी आपको न्यूज़ में हाइप सुनाई दे रहा है उसको एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ले, और ब्लाइंडली किसी भी न्यूज़ हाइप को फॉलो ना करें। तो इसके साथ ही दोस्तों मैं आज का अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मेरे को टड़ाटड़ लोगों के मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि सर मुझे क्या करना है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि सबको ये जानकारी क्लियरली मिल जाए। तो आई होप इट इज़ यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, हमारे चैनल का मेन पर्पज़ है हमारी कंट्री के अपने कैंसर पेशेंट्स वर्ल्ड का लेटेस्ट और बेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट अपनी भाषा में पाए। तो इस मिशन में जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जल्दी आएगा एक हाईली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।